सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड हैप्पी संडे। आई विल से $27,200 BTC फिलहाल चल रहा है एंड BTC काफ़ी हद तक स्टेबली अच्छा रन कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन फिलहाल नहीं बढ़ रही है। कुछ ऐसी न्यूज़ जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है और उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए अगर आप क्रिप्टो के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर आए हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक दो कंसर्निंग फैक्टर जो कि मेरे को फिलहाल दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर, जिसके बारे में बात करूंगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इनको नज़रअंदाज मत करना किसी को भी, और ध्यान रखना और इसी हिसाब से ट्रेड करना अगर आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपने पोर्टफोलियो के अंदर अप्लाई कर रहे हो। सीधा चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जानेंगे बहुत सारी जो न्यूज़ मार्केट में फिलहाल चल रही है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जो कि बहुत अच्छी है। काफ़ी सारी न्यूज़ जो कि लंबे टाइम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, काफ़ी अच्छा हमारे को रिटर्न्स मिल सकता है उन न्यूज़ की वजह से, उनके ऊपर बात करते हैं और कुछ कंसर्निंग फैक्टर्स उनके ऊपर भी बात करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपना ओपिनियन अबाउट द मार्केट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप आए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी फिलहाल जरूर कर लीजिएगा। लेट अस गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड जानते हैं मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकती है इन शॉर्ट टर्म एंड इवन इन द लॉन्ग टर्म फॉर क्रिप्टो मार्केट राइट नाउ। सो गाइस, फिलहाल BTC चल रहा है $27,330 के अराउंड। फिलहाल हम BTC देख रहे हैं 27,700 को फिलहाल उसने क्रॉस नहीं किया। 28,000 के ऊपर बहुत अच्छी खासी हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, लेकिन 22 मार्च को आ रही है FED की मीटिंग, FOMC की मीटिंग, जहां पे नया डाटा हमारे सामने आ सकता है जिसको हमारे को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और वहां पे हाई वॉलीटिलिटी हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो कि सामने आई है, वो है थोड़े दिन पहले लगभग अगर आप बात देखेंगे तो 16 मार्च को 300 बिलियन जो है मार्केट के अंदर पम्प करे गए। अगर हम बात करें तो हमने सबसे ज़्यादा जो 2021 का बुल रन देखा था उसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न था मार्केट पम्प होने का बहुत सारा USD प्रिंट होना, यानी कि डॉलर को प्रिंट होना, जिसकी वजह से USDT मार्केट में बहुत सारा आया, जिसकी वजह से वो सारा का सारा USDT चला गया बिटकॉइन के अंदर और बिटकॉइन हुआ बहुत ज़बरदस्त पम्प एंड रैलीड। सेम सिचुएशन इस वक्त बन रही है जहाँ पर अभी 300 बिलियन आया है USD का मार्केट के अंदर। ऐसे ही धीरे धीरे, जैसे कि हमने बहुत बार मैंने आपको समझाया था इस सीज़न के अंदर, अभी फ़िलहाल कट ऑफ करना जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर बहुत स्पीड पे मनी प्रिंटिंग होगी। जब मनी प्रिंटिंग होगी यानी कि बहुत सारा पैसा मार्केट में आएगा, एट द एंड USDT मार्केट में आएगा, स्टेबल कॉइन मार्केट में आएगा, एंड दैट विल हेल्प बिटकॉइन टू पम्प। तो फर्स्ट स्टेप हमारे को देखने को मिल गया है जहाँ पे 300 बिलियन मार्केट के अंदर फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 300 बिलियन आप यहाँ पे सीधा देख सकते हो स्पाइक आउट हुआ है चार्ट के अंदर। और 300 बिलियन जो है बहुत, अगर मैं बात करूँ, 0.5 बिलियन आया था, 500 बिलियन आया था मार्केट के अंदर जब कोरोना काल आया था, जब कोरोना आया था तब 500 मार्केट के अंदर बिलियन पंप किया गया था, और इतना ज़बरदस्त मार्केट के अंदर BTC पंप हुआ था कि हमने BTC के अंदर 10x का फोल्ड देखा था। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम जो कि हमारे को 300 बिलियन फिलहाल मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन येस, अगर हम बात करें, दिस कैन बी द स्टार्ट ऑफ द बिग पिक्चर जो कि हम कह सकते हैं। और अगर हम देखें क्रिप्टो सीजन के अंदर, हमारे पास हमने जो बियर सीजन का सबसे बड़ा साइकिल है वो हमने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है, एंड सेकेंड जो सबसे अच्छी हमारे पास न्यूज़ आ रही है वो है बिटकॉइन हॉल्विंग, जो कि April 15, 2024 यानी कि लगभग एक साल बाद आने वाली है, यानी कि आप कह सकते हो लगभग 1 ईयर के अराउंड ही हमारे को हॉल्विंग ईयर दिखाई दे सकता है। और हॉल्विंग के बाद 4-5-6 महीने तक हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करते मार्केट के अंदर, लेकिन उसके बाद होता है ज़बरदस्त बुल सीजन, यानी कि 24 का ईयर एंड और 25th पूरा साल हो सकता है हमारे लिए सबसे बड़ा बुल सीजन जाए मार्केट के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो JP Morgan के एनालिस्ट ने कहा है कि $2 trillion न्यू FED बैंक फैसिलिटी कुड सी अप 2 trillion ऑफ यूजेज, यहाँ पे 2 trillion की बात करी जा रही है कि मार्केट के अंदर आ सकता है, बिकॉज बैंक के अंदर इतने कलेप्सेज, इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो 2 trillion इनटू द मार्केट भी आ सकता है आने वाले वक्त के अंदर, जो कि बहुत ज़बरदस्त होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। अगर हम उसके बाद बात करें तो बैंकिंग सेक्टर, अगर आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ना चाहो तो आपको दिखाई देगा कि बैंक सेक्टर जिस तरीके से फेल हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर बिटकॉइन के अंदर धीरे धीरे आता जा रहा है, और जिस इज़ व्हाट बिटकॉइन वाज मेड फॉर, जहां पे आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर्स, रियल INR, फिएट करेंसी के ऊपर भरोसा हमें नहीं करना चाहिए, और हमें करना चाहिए डिजिटल करेंसी के ऊपर भरोसा। और वही अब फैक्टर्स बिकॉज ऑफ सो मैनी बैंक कोलैप्स अब धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों को जिनको क्रिप्टो के बारे में समझ नहीं थी वो भी धीरे धीरे समझ आना शुरू हो रहा है। तो फिलहाल मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा, $28,000 जो है बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, उसको शायद BTC अभी एक बारी में क्रॉस ना कर पाए, लेकिन 22 को जो FOMC मीटिंग है वो इसको हेल्प कर सकती है क्रॉस करने में भी, और इनफैक्ट एक क्रैश लाने में भी। जो भी न्यूज़ आएगी उसी की तरह से हमारे को इम्पैक्ट मार्केट में होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो मेरे को सबसे बड़ा कंसर्निंग पार्ट दिखाई दे रहा है वो है
देयर आर मल्टीपल वेव्स इन अ बुल सीजन, इन अ बियर सीजन जब होता है, बुल सीजन बियर सीजन एंड देन एक्यूमुलेशन जोन चलता है। तो इस वक्त हम हैं एक्यूमुलेशन जोन के अंदर, जहाँ पे बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन सारे के सारे एक्यूमुलेट कर रहे हैं लोग, और यहाँ पे हमारे को बहुत सारी मल्टीपल वेव्स दिखाई देती है। अभी हमने देखा BTC $19,800 सिर्फ 3 दिन के अंदर लग गया, और 3 दिन के अंदर हम रिकवर करके $27,000 भी चले गए। सिमिलरली देर कैन बी मल्टीपल वेव, जहाँ पे हम दोबारा 20,000 के करीब जा सकते हैं इस साल। और साथ ही साथ जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, वो है इथेरियम की न्यूज़, जो कि है April 12th को, जो कि है शंघाई हॉट फॉक, जिसके अंदर बहुत सारे इथेरियम अनलॉक होंगे। इथेरियम को जो पिछला न्यूज़ थी उसकी वजह से इथेरियम में ज़बरदस्त पंप हुआ था और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, वैसे ही ये न्यूज़ जो है ये हम कह सकते हैं नेगेटिव न्यूज़ है। तो अप्रैल की फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के अंदर मैं कहूँगा सेकेंड वीक तो फॉर श्योर आई विल बी बियरिश, क्योंकि यहाँ पे ये जो न्यूज़ है अगर ये कंफर्म हो जाती है कि हार्ड फॉक होने वाला है शंघाई हार्ड फॉक इथेरियम का, तो इथेरियम तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन उसके साथ काफ़ी सारी मार्केट भी यहाँ पे गिर सकती है। अब एक और चीज़ जो कि आपको नज़र में रखनी है वो है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है इस वक्त बढ़ती जा रही है। जब बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती जाती है, जो कि अभी चल रही है नियर अबाउट 45%, तो हमारे को देखने को मिलता है ऑल्ट कॉइन जो है स्टेबल हो जाते हैं या वो गिरने लग जाते हैं, लेकिन वो बढ़ते नहीं हैं। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जब बढ़ती है, ये एक स्टार्ट होता है हमारे उस जोन का जहाँ से मार्केट हम कहते हैं एक्यूमुलेट हो रही है, उसके बाद बहुत सारी वेव्स दिखाई देती है, और उसके बाद BTC स्टेबल हो जाता है और ऑल्ट कॉइन के अंदर हमारे को रैली देखने को मिलती है। तो अभी हम उसी जोन के अंदर फिलहाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त ध्यान रखना है इथेरियम की इस न्यूज़ का, जो कि मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती है। साथ ही साथ FOMC की मीटिंग जो कि 22 तारीख को है, 22 को है, जो कि मार्केट के डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एक साथ एकदम कर सकती है। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म हमारे को ये क्लियर इंडिकेशन देखना मिल गया है, हम फर्स्ट फेज़ में जा चुके हैं जहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं USDT प्रिंटिंग हमारे लिए स्टार्ट हो चुका है, और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर अगला सीज़न जो कि 2024 के एंड तक एंड में या 2025 की बिगनिंग के अंदर होगा, उसके अंदर बहुत सारा स्टेबल कॉइन प्रिंटिंग हो सकती है, जहां पे हमारे को बहुत ज़बरदस्त का प्रॉफिट भी हो सकता है। व्हाट यू थिंक अबाउट द मार्केट आफ्टर ऑल दिस न्यूज़, आपको सुनने के बाद समझने के बाद आपको क्या लगता है मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 27,000 फिलहाल BTC चल रहा है, 28,000 विल बी रेजिस्टेंस, लेकिन जो 22 की न्यूज़ है वो फॉर श्योर यहाँ पे BTC को 28,000 क्रॉस करता हुआ 30,000 के पास भी लेके जा सकती है। लेकिन वही नेगेटिव हुई तो हम दोबारा से 23,000 के जोन तक जा सकते हैं, 23,000 के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसको ब्रेक करना भी फिलहाल इजी नहीं होने वाला, लेकिन मल्टीपल वेव्स आप लोगों के सामने फिलहाल आपको बार बार देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं मार्केट के अंदर या अभी आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अमेजिंग, यू आर एट द परफेक्ट स्टेज जहाँ पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं ऑल्ट कॉइन में, क्योंकि ऑल्ट कॉइन में अभी वो रैली नहीं दिखाई दे रही है और शायद थोड़ा टाइम नहीं दिखाई देगी, अनलेस एंड अनटिल BTC गो स्टेबल और अनलेस एंड अनटिल BTC की डोमिनेंस थोड़ी सी गिरती नहीं है। और वो कब गिरेगी, जब BTC बहुत अच्छा रैली अप कर जाएगा, उसके बाद वहाँ से पैसा निकल के आता है ऑल्ट कॉइन में, तो उसका पेशेंस जो दिखा जाता है वो बंदा कमाता है मल्टीपल एक्स इन क्रिप्टो मार्केट। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।